मुझे उससे कुछ खास उम्मीद है नहीं, मैं उससे लगाती नहीं उम्मीद, एक्सपायर हो चुकी है। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों और सब लोगों को दिल से प्यार बहुत सारा। आज की मॉर्निंग तो मॉर्निंग में ही हो गई है, सुबह सुबह बता रहा बहन ने शायद, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ गुड़गांव के लिए आज, और अभी फिर कल से ऑफिस है, और अब आपको गुड़गांव के भी ब्लॉग्स मिला करेंगे देखने के लिए, ठीक है। बाकी अभी ये मोटा सो रहा है, देखो वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अभी तो उसको पता नहीं है, उठेगा लगभग लगभग पता नहीं कितने बजे, ठीक है। तब तक के चलो आज मैं लेट हो रहा हूँ, मिलता हूँ फिर मैं आपको, पहुँच के दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ की सब चीज़ें, ठीक है। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो यार सो के उठ गए थे और ना भी लिए थे, आज फाइनली टाइम से उठ गए थे, लाइक जिस कंपैरिजन हम लोग कल सोए थे उस कंपैरिजन में हम लोग टाइमली उठ गए थे। मैं उठ गई थी 11:30-12 बजे के अराउंड। शाबाश बेटा। तो फिर यार आज चला गया है, भाई चला गया आज वापस गुड़गांव, और मे बी उसने कुछ शूट किया हो, कह तो रहा था यार अभी मेरे फ़ोन पे कि मैंने कुछ शूट किया, तो देखते हैं क्या शूट करा उसने। वैसे लगता नहीं मुझे उससे, मुझे उससे कुछ खास उम्मीद है नहीं, मैं उससे लगाती नहीं उम्मीद क्योंकि उसके काम ही ऐसी हैं, तो उससे उम्मीद ही लगानी छोड़ दिया मैंने। चलो कोई नहीं, बाकी देखते हैं। तो गाइस घर पे रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है ना मेरे को एग्ज़ाम्स में, तो ये लगता है कि यार काम नहीं करना पड़ता वहाँ पे, लाइक यहाँ पे मतलब काम नहीं करना पड़ता, वरना अगर आप अकेले हो तो फिर यार आपको सारा काम करना पड़ेगा, खाना खुद बनाना पड़ेगा, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो फिर एक फ़ायदा हो जाता है कि यार आप ना पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो फिर आप देखो जैसे कि मैं बहुत देर से पढ़ रही, तो मम्मी फ्रूट्स काट के ले आई। ओह माय गॉड, तो यार बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि यार आप भूखे हो, आपको नहीं पता चलेगा, देखो जब आप पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि यार आप भूखे हो, ठीक है, आप अवॉइड कर दोगे खाना, पर लेकिन घर वाले ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि यार बच्चा भूखा है तो उसको दे देते हैं खाने के लिए, बहुत देर हुई उसको खा रहे, तो ये चीज़ इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसलिए मेरे को लगता है कि यार मैं घर आ जाऊँ एग्ज़ाम्स में, ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए, एक ही चीज़ पर ध्यान रहे, ये नहीं कि यार अलग अलग चीज़ों पर ध्यान रहे। घर से मैं आ गया था सुबह, भाई बहुत थक गया था, पूरा दिन सोया था, तो आके सो गया, उठ के थोड़ा सा ऑफिस का काम कर लिया मैंने, और बस अब जिम निकल रहा हूँ, तो मिलता हूँ आपको जिम में। चार मार लो चेस्ट की, अब लेंगे 2-3 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की, फिर करेंगे थोड़ी सी ट्रेडमिल, फिर अपने बंद करेंगे। मेरे हिसाब से अप्रॉक्स अप्रॉक्स इतनी देर हो चुकी है जिम करते हुए, देखते हैं फिर, ठीक है। तो आ गए थे जिम से, वर्कआउट हुआ लगभग लगभग, टाइम नहीं है 992 कैलोरीज। तो भाई जिम से आ गए थे, भाई सही में वाट लग गई है, सही में हाइट लेके आएंगे, पनीर और केले साथ में बाहर से दाल लेके आएंगे, दाल लेंगे फिर 2-1 घंटे बाद खाली हुआ गया खाली करेंगे। अब यार काम ऑफिस का बहुत सारा काम करना। तो गाइस वापस आ गए हैं आप लोगों से मिलने। अच्छा ठीक है। तो यार रात के 12:30 बज रहे हैं, और अभी मैं पढ़ के उठी थी, मैं सोचना भूख लग रही थी, तो मैं ढूंढ रही थी कुछ कुछ, तो मुझे ना फ्रिज में ये मिला, बहुत टेस्टी है यार, मतलब ये कोई लाइक इसमें ना कॉफ़ी का टेस्ट है,
कॉफ़ी है और इसमें ऊपर आलमंड्स लगे हुए हैं और क्या क्या है इसमें, रोस्टेड आलमंड्स, सॉल्टी कैरमल एंड डार्क चॉकलेट एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत टेस्टी है, मतलब मीठी है पर अच्छी है, क्रंची है, थोड़ी सी टेस्टी है। ये शायद यार कोई बाहर से लाया था, मेरी दीदी या जीजू में से कोई था जो बाहर से लाया था, या भैया भाभी कोई, मुझे याद नहीं है कहाँ से आई थी। वेट लेट में टाइम काफ़ी है। ये है, ये क्या है भाई, गाइस ये तो एक्सपायर हो चुकी है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया यार। ये एक्सपायर हो चुकी है और ये मैंने खा ली आधे से ज़्यादा। यार अब मैं सुबह, आप समझ रहे हो ना भाई, मैं एक लौती बेटी हूँ अपने माँ बाप के, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना यार, अभी मेरे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, देखो 23 फेब। यार अब मुझे क्या पता था, मुझे बहुत भूख लगी थी यार, मुझे बहुत भूख लगी थी, अब जो हाथ में लगा मैंने खा लिया, मुझे ये भी नहीं पता था कि यार ऐसे एक्सपायर्ड वाली चॉकलेट रखी होगी फ्रिज में। कोई बात नहीं भाई, देखते हैं, इसी के साथ यार करते हैं ब्लॉग को एंड, क्योंकि भाई मुझे सदमा सा लग गया है, तो करते हैं इसके साथ ब्लॉग को एंड, और आप हमसे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ ये देखने के लिए कि अगला ब्लॉग आ पाता है नहीं आ पाता, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट भी हो गया। चलो यार जोक्स अपार्ट, होगा तो कुछ नहीं पर फिर भी ठीक है ना, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे, मतलब लाइक डेली लाइफ के ऊपर अपने ब्लॉग आते रहेंगे, जो जो होता रहता है अलग अलग चीज़ें लाइफ में, तो बने रहिए और मिलते हैं आप लोगों से कल, मिलेंगे यार ऐसे क्यों, ठीक है मिलते हैं आप लोगों से कल। तो फिर गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।